नमस्कार, आप देख रहे हैं द ललन टॉक। अंग्रेजों से लड़ाई में न जाने कितने ज्ञात अज्ञात लोगों ने प्राणों की आहुति दी है। छोटे बड़े अनगिनत क्रांतिकारियों की शहादत ने आज़ादी की लड़ाई में अपना अपना कीमती योगदान दिया है। ऐसे ही एक शहीद को महाराष्ट्र में तो पूरा सम्मान हासिल है, लेकिन शेष भारत में उन्हें ज़्यादा लोग नहीं पहचानते। हम बात कर रहे हैं महज 22 साल की उम्र में स्वदेशी आंदोलन में अपनी जान दे चुके बाबू गेनू सैद की। बाबू गेनू का जन्म 1902 में पुणे जिले के गांव महालुंगी पड़वल में हुआ। घनघोर गरीबी में पले बड़े बाबू गेनू के पिता का उनके बचपन में ही देहांत हो गया था। माँ कपड़े के मिल में मजदूरी करने लगी। जब बाबू गेनू बड़े हो रहे थे, उस वक्त देश में अंग्रेजों की मुखालफत जोरों पर थी। बाबू गेनू भी आंदोलन में हिस्सा लेने लगे। साइमन कमीशन के विरोध में जुलूस भी निकाला। 1930 में हुए गांधी जी के नमक सत्याग्रह में भी हिस्सा लिया। दो बार जेल गए। अब वो घटना बताते हैं जिसमें उनको शहादत हासिल हुई। उन दिनों स्वदेशी चीजें इस्तेमाल करने का आंदोलन उफान पर था। विदेशी माल का देश भर में बहिष्कार हो रहा था। 12 दिसंबर 1930 मुंबई के कालबा देवी इलाके में एक गोदाम था। आंदोलनकारियों को खबर मिली कि वहां से विदेशी माल लेकर दो ट्रक मुंबई कोर्ट मार्केट जाएंगे। इस काम को रोकने की जिम्मेदारी बाबू गेनू और उनके दल तानाजी पथक के सर आई। हनुमान रोड पर इसे रोकने का इरादा बना। भनक पाते ही वहां भीड़ भी इकट्ठा हो गई। अंग्रेज अफसर फ्रेजर को भी इसकी भनक लग गई। उसने भारी तादाद में पुलिस बुला ली। सारे क्रांतिकारी ट्रक के रास्ते में खड़े हो गए। पुलिस उन्हें खींच खींच कर दूर करती रही। क्रांतिकारी फिर आते रहे। आखिरकार फ्रेजर चिढ़ गया। ट्रक के आगे तनकर खड़े बाबू गेनू को उसने परे हटाना चाहा। वो नहीं हटे तो उसने ट्रक ड्राइवर से कहा, ट्रक चला दो, कोई मरता है तो मर जाने दो। ड्राइवर की हिम्मत नहीं हुई। गुस्से में उफनते हुए अंग्रेज अफसर ने उसे स्टेयरिंग से धक्का देकर हटा दिया और खुद स्टेयरिंग संभाल ली। बाबू गेनू सीना तान कर खड़े रहे। फ्रेजर ने ट्रक चला दिया। ट्रक बाबू गेनू को कुचलता हुआ गुजर गया। सड़क खून से तर बतर हो गई। इस घटना ने मुंबई में हाहाकार मचा दिया। बाबू गेनू को तब तक कोई नहीं जानता था। उसके बाद हर एक की जुबान पर उनका नाम चढ़ गया। उनके अंतिम संस्कार में भारी जनसमूह उमड़ा। कन्हैयालाल मुंशी, लीलावती मुंशी, जमुनादास मेहता जैसे बड़े बड़े नेता भी आए। कस्तूरबा गांधी उनके घर गईं और उनकी माँ को सांत्वना दी। जहाँ उनकी मौत हुई उस जगह का नाम गेनू स्ट्रीट रख दिया गया है। उनके गांव में उनकी मूर्ति भी लगी हुई है। तो ये थी आज़ादी की लड़ाई में अनगिनत शहीदों में से एक शहीद बाबू गेनू की कहानी। ऐसी और कहानियाँ ललन टॉप आपके लिए लाता रहेगा। आप हमें देखते रहिए, हमारे पेज को लाइक करिए। फेसबुक पर, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करिए, और अगर एक स्मार्टफोन यूज़र हैं तो हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। शुक्रिया।